अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स सिमतें। हमारी 4 सिमतें होती हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। अपना रीड एंड शेयर देखिए बुक में। एंड टू अल्लाह बिलोंग्स द ईस्ट एंड द वेस्ट, सो वेयर एवर यू टर्न देयर इज़ द फेस ऑफ अल्लाह, इंडीड अल्लाह इज़ ऑल कम्पासिंग एंड नोइंग। तर्जुमा, और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला कुशादगी और विसत वाला और बड़े इल्म वाला है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं क्लास। थिंक, व्हाट डू यू नीड टू नो फर्स्ट टू गेट टू अ प्लेस। यू मस्ट फर्स्ट नो द नेम ऑफ द प्लेस, बट ओनली द नेम ऑफ द प्लेस कांट हेल्प यू रीच देयर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स यू नीड टू नो, यू मस्ट ऑल्सो नो द डायरेक्शंस यू आर हेडिंग। जी क्लास, सोचिए अगर आपको किसी जगह पर जाना हो तो आप उस जगह पर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी? डेफिनेटली उसके नाम की ज़रूरत होगी, लेकिन सिर्फ नाम ही तो उसके लिए काफ़ी नहीं होगा हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो आप बताइए, सोचिए कि हमें फिर और किस चीज़ की ज़रूरत होगी? डेफिनेटली हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। हमें ये मालूम होने चाहिए कि हम इस जगह जा रहे हैं, उस जगह का डायरेक्शन क्या है, वो किस सिमत में है। वो शुमाल में है, जनूब में है, मगरिब में है या मशरिक में है। हमें उस डायरेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि हम उस जगह आसानी से पहुंच सकें। तो क्लास, हमें हमारे पास 2 तरह की डायरेक्शन होती हैं, एक कार्डिनल और दूसरी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, इन 2 डायरेक्शंस का हम इस्तेमाल करके किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन ऑन द कंपस कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। देयर आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दिस डायरेक्शंस आर द प्राइमरी डायरेक्शंस यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद। समटाइम्स दिस 4 डायरेक्शंस आर नॉट इनफ टू लोकेट अ प्लेस। यू नीड टू नो सर्टेन पॉइंट्स दैट कम इन बिटवीन दिस प्राइमरी डायरेक्शंस। देयर आर हाफ वे बिटवीन दिस कार्डिनल पॉइंट्स एंड देम। जी क्लास, हम पहले कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि कार्डिनल डायरेक्शंस 4 होती हैं जिनसे हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। किसी भी प्लेस को मालूम करने के लिए सिर्फ ये 4 डायरेक्शन काफ़ी नहीं होती। इन 4 डायरेक्शन के दरमियान में और डायरेक्शन होती है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सी डायरेक्शन होती हैं? वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दीज आर नॉन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। लुक एट द कंपस रोज, इट इज़ अ फिगर डिस्प्ले द कार्डिनल डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑन अ मैप। ऑन अ कंपस रोज, नॉर्थ पॉइंट टू द टॉप, अ नैरो नॉर्थ एरो इज अ सिंबल इंडिकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैप एलिमेंट्स यू सी ऑन ऑलमोस्ट एवरी मैप। जी क्लास, आपको कार्डिनल डायरेक्शंस पता चल गई। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये कार्डिनल डायरेक्शन है। आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा वहाँ पर पॉइंट बने हुए नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट। आगे हम पढ़ते हैं, लुक एट द मैप, देयर इज़ अ स्कूल इन द मिडल ऑफ द मैप। यू कैन सी अ प्ले ग्राउंड टू द नॉर्थ। टू द साउथ, देयर इज़ अ बुक स्टोर। टू द ईस्ट, यू कैन सी अ शॉपिंग मॉल। एंड टू द वेस्ट, देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस। टू द नॉर्थ वेस्ट, देयर इज़ अ बेकरी। एंड टू द नॉर्थ वेस्ट, देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन। टू द साउथ ईस्ट, देयर इज़ अ डिपार्टमेंट स्टोर। एंड टू द साउथ वेस्ट, यू कैन सी अ हॉस्पिटल। क्लास, नीचे आपको मैप दिया गया है जहाँ पर स्कूल है, प्ले ग्राउंड है, बुक स्टोर, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग मॉल, ये सब चीज़ें हैं। हमें किस तरीके से पता चलेगा? स्कूल हमारा मिडिल है, स्कूल के नॉर्थ में प्ले ग्राउंड है, साउथ में बुक स्टोर है, ईस्ट में शॉपिंग मॉल है और वेस्ट में पोस्ट ऑफिस है। अब बेकरी कहाँ पर है? नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में क्या बनता है? नॉर्थ वेस्ट। तो वो स्कूल से नॉर्थ वेस्ट साइड पर बेकरी है, नॉर्थ ईस्ट साइड पर पुलिस स्टेशन और ईस्ट साउथ पर साउथ ईस्ट स्टोर है, साउथ वेस्ट में हॉस्पिटल है। क्लास, इस मैप को देख के आपको डायरेक्शंस समझ आ रही होंगी। अ पर्सन कैन ईजिली आइडेंटिफाई हिज और हर वे टू एनी प्लेस शो ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ अ कंपस रोज। सपोज यू आर स्टैंडिंग नियर अ हॉस्पिटल, कैन यू फाइंड द वे टू द शॉपिंग मॉल विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शन। With the knowledge of directions of a place, you can find out how much you have to travel to cover the distance between two places.
दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ मैप स्केल. लेट्स सी व्हाट अ मैप स्केल इज एंड हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस. क्लास, कोई भी शख्स किसी भी जगह को मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए कंपास रोज का इस्तेमाल करता है. देखें, अगर आप अपने पिक्चर में देखें, जो नेक्स्ट पेज पर पिक्चर थी आपकी, पेज नंबर 8 पर, अगर आप हॉस्पिटल पे खड़े हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि शॉपिंग मॉल कहाँ है? तो आप कंपास रखेंगे. अगर आप साउथ साइड पर कंपास है, ईस्ट साइड पर आपका स्टोर है, तो बताइए ज़रा उस ईस्ट और नॉर्थ की साइड पर कौन सी डायरेक्शन आती है? नॉर्थ ही. आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हाउ टू यूज़ अ मैप स्केल. वी नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द डिस्टेंस टू बी ड्रॉन ऑन मैप्स. फॉर दिस पर्पज मैप्स आर ड्रॉन टू अ स्पेसिफिक स्केल. कार्टोग्राफर्स हु मेक मैप्स यूज़ अ मैप स्केल्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर दैन टू प्लेसेस. लुक एट द मैप स्केल्स. हेयर वन इंच इंडिकेट वन माइल. इफ़ अ रोड इज़ वन माइल लॉन्ग, इट वुड बी शोन एज वन इंच ऑन अ मैप. Similarly, if the distance between two places, let's say a road and a river, is 2 miles, it would be shown as 2 inches. जी क्लास, हम जानते हैं कि मैप में अगर दो जगहों के दरमियानी फासले को हम मेजर करें तो वो मेजर नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि देखें, आप मैप होता है, मैप में वो ड्रॉ किया हुआ है कि ये जगह यहाँ पर है, सब कुछ शो है. अब उन दोनों जगह के दरमियानी फासला कितना है ये हम नहीं बता सकते. तो इसको नापने के लिए किस क्या बनाया गया है? मैप स्केल बनाया गया है. कार्टोग्राफर्स जो मैप बनाते हैं, उन्होंने मैप स्केल का इस्तेमाल किया कि हम मैप स्केल के ज़रिए डिस्टेंस को किसी भी दो जगह के दरमियानी हिस्से को मेजर कर सकते हैं. वन इंच किसके बराबर है? 1 माइल. अगर एक जगह दो जगह के दरमियान में 1 माइल का फासला है तो वो मैप स्केल 1 इंच शो करेगा, हमें पता चल जाएगा कि इसका दरमियान 1 माइल है. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि रिवर और रोड के दरमियानी फासला 2 माइल्स होगा, तो उसको किससे शो करेंगे? 2 इंच से. आप अपनी तस्वीर में भी देख सकते हैं, रोड बना हुआ है और रिवर के लिए ब्लू ब्लू आपको नज़र आएगा, पानी शो किया हुआ है. उन दोनों के दरमियानी फासला कितना है? 2 इंचेस शो किया है. इससे क्या मालूम होता है कि कितना फासला है? 2 माइल्स. टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन स्केल. मैप्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल्स. मैप स्केल्स, स्मॉल स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप्स. मैप्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, स्मॉल और लार्ज स्केल मैप्स में. अच्छा, स्मॉल स्केल मैप. आ स्मॉल स्केल मैप शोज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सच एज कॉन्टिनेंट, लार्ज कंट्रीज, ETC. विद लिटिल डिटेल इन एन एटलस मैप्स आर स्मॉल स्केल ड्राइंग्स. जी, स्मॉल स्केल मैप्स के ज़रिए हम बड़ी बड़ी जगहों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट और लार्ज कंट्रीज़ वगैरह. उसमें छोटी सी डिटेल दी होती है, उनके दरमियान में बता देते हैं. और जो एटलस मैप है वो स्मॉल स्केल मैप से ड्रॉ किया गया है. लार्ज स्केल मैप्स. अ लार्ज स्केल मैप्स कवर ओनली अ स्मॉल एरिया सच एज अ टाउन, अ नेबरहुड, ETC. इट शोज़ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया इन डिटेल. जी, और लार्ज स्केल मैप छोटे छोटे एरिया को कवर करता है, जैसे हमारे कस्बे, हमारे पड़ोस के अंदर जो भी जगहें होती हैं, हमारे घर के करीब जगहें, उन सब को डिटेल से बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एक टाउन से दूसरे टाउन जाएंगे तो वहाँ मैप स्केल में, मैप में आपको हर गली के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर ये गली है, फिर इसके कोने पर ये दुकान है या रोड है. वो एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे, उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं. पोल्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस. इमेजिन आई स्टिक पैकिंग थ्रू द अर्थ एज शोन इन द पिक्चर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सिस ऑन विच द अर्थ स्पिन्स. The two end of the axis are called poles. There is a line halfway between these poles. This imaginary line which runs from east to west around the earth is called the equator. From the equator, the part of the stick that pokes out at the top in the north pole, the other part at the bottom from the equator is the south pole. From the equator, north is the direction toward the north poles and south is the direction toward the south pole.
द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड एट द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. Thus, when you are at the North Pole, the only possible direction you can travel to is south. Class, हमारी ज़मीन स्पिन करती है, ये सब हम जानते हैं. स्पिन घूमती है, हमारी ज़मीन गोल घूमती है, ये हम सबको पता है. कहाँ से? अपने एक्सिस, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. वो एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वहाँ छोटी छोटी सी स्टिक्स लगी हुई हैं, वो उनका एग्जांपल है स्टार्टिंग पॉइंट का, एक्सिस का, कि वो वहाँ से दो एंड पॉइंट हैं एक्सिस के जिनको पोल्स कहते हैं, और अपनी पोल से घूमकर दूसरे पोल तक आती हैं. ठीक है, इक्वेटर में आप पिक्चर में देखेंगे दरमियान में एक हाफ लाइन लगी हुई है, सिर्फ एक लाइन लगी है दरमियान में, उसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, और इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं. जी क्लास, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक जो हिस्सा है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और इक्वेटर से लेकर साउथ तक जो जितना पार्ट है उसको साउथ पोल कहते हैं. ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ की डायरेक्शन नॉर्थ पोल तक है, और इक्वेटर से साउथ तक की जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल है. हम अगर नॉर्थ पोल पर हैं तो ओनली हमारे पास जो पॉसिबल डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी, हम साउथ तक ही ट्रैवल कर सकते हैं. जी क्लास, रिकैप करते हैं इसका. कार्डिनल इंटरमीडिएट डायरेक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए. मैप स्केल्स हम दो जगह के दरमियानी फासले को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ज़मीन हमारी एक्सिस पर स्पिन करती है, गोल घूमती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है. जी क्लास.